proud are of yourself for doing this phenomenal achievement? Avni? Feels nice. मुझे बहुत खुशी है कि मैं दूसरा गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ अपने कंट्री के लिए. एंड इस बार थोड़ा ज़्यादा हार्ड था बिकॉज आई वाज डिफेंडिंग पैरालंपिक चैंपियन, बट टू बी एबल टू गो देयर और वहाँ जाके अपना काम मेंटेन रखना और प्रोसेस पे ध्यान देने की वजह से आई वाज एबल टू विन अ मेडल. सो आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर अ पोडियम विद अनदर इंडियन. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर बिग अचीवमेंट फॉर शूटिंग पैरा स्पोर्ट इन इंडिया. मोना, दिस इज़ योर आपका पहला पैरालंपिक्स था. पहले में ही आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. आप अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं पिछले एक साल से. सो प्रैक्टिस को कंपटीशन में इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल था, आसान? डिफ़िकल्ट था क्योंकि बहुत कम समय हुआ था तो उतना शायद इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था या, लेकिन फिर भी मैं कर सकी और मुझे विश्वास था कि मैं मेडल लेकर जाऊँगी और मैं कर सकी. Your parents, your family, you have a small baby, kid. So how, what is going through your mind right now? It was like I won this medal for my kids. And Avni, whom you have a strong coach beside you, she was there in Tokyo also. Whom would you like to dedicate this second gold medal? I think I would like to dedicate this to the country, obviously, and the whole team. The support was so good that I was able to go there and win the medal.